नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है साथियों कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड जो है बंध श्रृंखला साथियों ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और बात करें इंसुलिन के साथियों तो ये जो है इंसुलिन के लेंगरहेंस द्वीपिका के साथियों बीटा सेल से जो है स्रावित होती है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो डीएनए में अगर साथियों एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन होते हैं तो उसे हम बिंदु परिवर्तन कहते हैं। अगर साथियों डीएनए के संकलन या विलोपन द्वारा उत्पन्न होगा तो उसे हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं साथियों ऐसे जीव को कहते हैं पृथुतापी। पृथुतापी बोले तो साथियों होता है यूरीथर्मल जीव कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है एस्कर्वी नामक रोग जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण से एस्कर्विक नामक रोग होता है। विटामिन ए के कमी से आँख संबंधित रोग यानी कि रतौंधी जैसे बोल सकते हैं। फिर विटामिन B1 की कमी से जो है बेरीबेरी रोग होते हैं। विटामिन डी के कमी से साथियों रिकेट्स होते हैं और ऑस्टियोमलेशिया होते हैं वयस्क में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित साथियों ये एडिसन रोग जो है नहीं है, एडिसन डिजीज। जबकि साथियों बात करें अवटु मानवता का तो ये है और हाशमितो रोग का भी है और प्लूमर रोग भी जो है थायराइड ग्रंथि से ही संबंधित है। कहता है आकाश नीला लगता है ऐसा क्यों, किस कारण से? तो साथियों आकाश नीला इसलिए लगता है कि लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं इसीलिए। अगला सवाल देखें, कहता है अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण है साथियों उच्च पारगम्यता। अगला सवाल देखें साथियों, कहता है जल से बाहर निकाले जाने पर जो है मछलियां मर जाती है ऐसा क्यों? तो साथियों ऐसा इसलिए कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, अर्थात ये सांस नहीं ले पाती है इसीलिए वो मर जाती है। क्योंकि साथियों मछलियां जो सांस लेती है वो गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। अगला सवाल देखें, कहता है जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो साथियों जैव विविधता शब्द की बात करें तो 1985 में वाल्टर जी रोजन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है हीरा और ग्रेफाइड है, तो हीरा और ग्रेफाइड साथियों कार्बन के प्रमुख अयस्क ये जो हैं अपरूप हैं और शुद्ध अपरूप की बात करें तो हीरा होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो साथियों फिलामेंट में जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? तो प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है साथियों परितारिका। अगर बात करें कॉर्निया की तो कॉर्निया साथियों नेत्रदान में दिया जाने वाला भाग है नेत्र का। और साथियों बात करें तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब यानी कि कोई भी चित्र बनता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक तो ये साथियों रजत को माना जाता है अर्थात चांदी को। अगला सवाल, कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को हम अपवर्तन कहते हैं। अगर साथियों पुनः वापस लौट जाता इस जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में तो हो जाता परावर्तन, चला गया अगले माध्यम में तो हो गया अपवर्तन। अगला सवाल, कहता है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है? तो वो धमनी है फुसफुस धमनी, जिसे आप पल्मोनरी धमनी कहते हैं क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त रहता है ऑक्सीजन युक्त, लेकिन यह धमनी फुसफुस अर्थात पल्मोनरी धमनी ये अपवाद में, इसलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। अगला सवाल देखें, कहता है जब गर्म पानी के तोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा साथियों कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल देखें, कहता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अर्थात अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक साथियों 2.42 होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज साथियों फैराडे के द्वारा दिया गया, जो कि विद्युत अपघटन के नियम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया, जबकि ग्रह गति का नियम साथियों केपलर के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई साथियों कैलोरी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है BTU, और जूल होता है, कार्य एवं ऊर्जा का भी जूल होता है, तो फोन जो है ये साथियों ऊष्मा का नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बात साथियों सत्य है। टकला मकान चाइना में है, ये भी सत्य है। कराकोम तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सत्य है। गिब्सन ब्राज़ील ना होगा साथियों, ये जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन, तो ऑस्ट्रेलिया होगा यहाँ पर, इसीलिए ये जो है आपका विकल्प गलत है। अगला सवाल देखिए, कहता है स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात जो है भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी कितनी किलोमीटर में कमी आई? तो साथियों 7000 किलोमीटर की कमी आई भारत जो है और यूरोप के बीच, ये जो है स्वेज नहर बनने के कारण। 869 में स्वेज नहर का साथियों निर्माण हुआ था, फार द लैंड जा लेपेप्स के सहयोग से हुआ था, और जो स्वेज नहर की लंबाई की बात करें साथियों तो 168 किलोमीटर है। अगला सवाल देखें, कहता है मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है? तो मैकमोहन सीमा रेखा साथियों 1914 ईस्वी में जो है खींचा गया था, और ये भारत और चाइना के बीच। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो वह है साथियों मिसिसिपी नदी। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है साथियों गुजरात, 1663 किलोमीटर इसकी जो है तटरेखा की लंबाई है, तट की लंबाई। आंध्र प्रदेश जो साथियों दक्षिण भारत में या प्रद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, या दूसरी जो है ओवरऑल इंडिया में तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि लगभग 1100 किलोमीटर है तटरेखा, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? साथियों गोदावरी हो गया, कवाम हो गया, और कावेरी, ये सब पश्चिमी घाट से बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी साथियों ये जो है ताप्ती नदी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो राज्य है साथियों केरला। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज्य दिया गया है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश ठीक है, और बमडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नाथुला दर्रा साथियों मेघालय नहीं होगा, नाथुला जलेपला कहाँ पर है? ये है सिक्किम में, सिक्किम में है, तो यही आपका जो है गलत है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों सबसे बड़ा पठार जो है आपका कोलोराडो का पठार है, वरना सबसे बड़ा पठार हो जाता साथियों विश्व का, तो वो है तिब्बत का पठार। अगला सवाल देखें, कहता है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, ये भी साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग है सबसे गहराई वाला जो है बंदरगाह, तो वो पारादीप, लेकिन भारत के सबसे गहरा बंदरगाह की बात होगी तो साथियों तो वो है विशाखापट्टनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और बात करें साथियों मार्मागोवा गोवा में है, कोचीन केरल में है, और पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है, जो कि कांडला बंदरगाह साथियों मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए बनाया गया था। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ये साथियों सियाचिन जो है ग्लेशियर, तो सियाचिन जो है सबसे विशालतम हिमनद है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित शैलक्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला का जो है प्रदान करता है? तो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है साथियों वह है गोंडवाना क्रम के शैल। अगला सवाल देखें, एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ जो है खेती का प्रकार दिया गया है, पश्चिमी घाट में साथियों खेती के प्रकार को कहते हैं कुमारी, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खेती के प्रकार को साथियों कहते हैं बालतरे, और उत्तरी पूर्वी भारत में खेती के प्रकार को कहते हैं झूम की खेती, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो खेती होती है उन्हें हम कहते हैं डाहिया। अगला सवाल देखें साथियों, एक तरफ जो है एल्युमिनियम कंपनी दिया गया है और एक तरफ इसकी स्थिति दिया गया है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मैचिंग कराते हैं साथियों, देखते हैं, तो एल्युमिनियम कंपनी जो है बालको है साथियों कहाँ पर? तो ये है कोरबा में, कोरबा अर्थात छत्तीसगढ़ में,
और हिंडाल्को है साथियों, रेनकोट और ये उत्तर प्रदेश में है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है ये हीराकुंड में है साथियों ओडिशा में, और नालको जो है साथियों ये कोड़ापोट है ये भी ओडिशा में ही है। अगला सवाल देखें, कहता है ब्राज़ील में विशाल कहवा के बाग को क्या कहते हैं साथियों, तो कहवा के बाग को कहते हैं फेजेंडा, जबकि कहवा पतन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जो है देश दिया गया है, एक तरफ साथियों इसकी राजधानी दिया गया है, गिनी बिसाओ की राजधानी बिसाओ ये सत्य है, ताइवान की राजधानी ताइपे ये सत्य है, और निकारागुआ की राजधानी मानागुआ ये भी सत्य है, मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं होता साथियों, मालदीव की राजधानी होता है माले, तो ये आपका जो है डी विकल्प गलत है। अगला सवाल देखें, कहता तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाने वाला चोल शासक था ये साथियों, तो वो था राजा राज प्रथम, राज राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर ये शिव को समर्पित है। हड़प्पा काल के लोग जो है साथियों किस धातु के उपयोग से अभिज्ञ थे, अनभिज्ञ थे अर्थात नहीं जानते थे, तो वो साथियों लोहा की जानकारी इन्हें नहीं था, जबकि सोना चांदी कांसा का जानकारी था। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, तो साथियों 1932 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, और ब्रिटेन के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे सर रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए साथियों, कथा आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके दरबार में रहा करते थे, तो ये साथियों कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अगला सवाल देखें, कथा उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह को ही साथियों मुंडा विद्रोह कहते हैं, जो कि 1899 या 1900 ईस्वी में साथियों झारखंड में हुआ था, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं, तो ये मिले हैं साथियों अर्कमेडू स्थान से। अगला सवाल देखें, कहता है न्यूमिसमैटिक में साथियों किसका अध्ययन, तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है कौन इनमें से जो है मुइद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, तो मुइद्दीन चिश्ती के शिष्य थे साथियों निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल देखें, कहता है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, साथियों पानीपत का अगर बात करें तो प्रथम युद्ध हुआ था साथियों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विजयी हुआ। पानीपत का साथियों द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजयी हुआ। और पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था साथियों 1761 में मराठा और अहमद अब साबद अली जो कि अफगान शासक थे उनके बीच, जिसमें मराठा की हार हो गई। अगला सवाल देखिए साथियों, कथा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, पूना पैक्ट 1932 को, लाहौर अधिवेशन 1929 को, और साथियों 1930 में दांडी मार्च चलाया गया था गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930। कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के साथियों कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें साथियों बात करें 23वें तीर्थंकर तो ये थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह साथियों सांड होता है, और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला सवाल देखें, कहता है सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स प्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र से के लिए एक मील का पत्थर है, तो साथियों इन्होंने 1854 ईस्वी में एक जो है अपना प्रस्ताव दिया था 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को, तो ये था अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम इन्होंने बनाया था, तो अंग्रेजी शिक्षा में ही जो है माध्यमिक स्तर पर भी इन्होंने शिक्षा के यानी कि कंपनी के अधीन जो है पद जो है अंग्रेजी जानकारी के लिए जो है भर्ती कराया गया था, तने अंग्रेजी शिक्षा की ये साथियों विशेषता दिया था 1854 में चार्ल्स बोर्ड डिस्पैच की घोषणा। अगला सवाल कहता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक साथियों, तो ये है महात्मा गांधी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया, तो साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कथा है 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया है साथियों जेम्स रेनल को। बात करें बंगाल के साथियों 1765 ईस्वी में जो है द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई थी, जिसमें बंगाल के उपदीवान मोहम्मद राजा खां को और बिहार के उपदीवान सीताब राय को बनाया गया था। अगला सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख साथियों ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था, और यह जो है गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है,
भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो ये है साथियों उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट में, तो अनुच्छेद 326 के तहत जो है हाईकोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात होगी साथियों तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसके तहत साथियों सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। निम्न से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये अधिकार है साथियों जीवन की सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20, अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में है। ये दोनों अनुच्छेद को छोड़कर शेष सभी अनुच्छेद जो है निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय वो भी कर सकते हैं केवल व केवल राष्ट्रपति, लेकिन 20-21 को छोड़कर। अगला सवाल कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और यह साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था, जो कि उस समय 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है साथियों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। अगला सवाल देखिए साथियों कहता है पंचायती राज विषय है, तो साथियों पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूची विषय होगा। अगला सवाल देखें कहता है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो साथियों मानव के व्यापार को निषिद्ध करता यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मानव दुर्व्यापार का वर्णन अनुच्छेद 23 में है। और साथियों जो है बाल श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 में। अगला सवाल देखें कहता है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था साथियों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसकी अध्यक्षता किया था साथियों सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये बुजुर्ग सदस्य थे और वो अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला सवाल कथा उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, जिसमें साथियों प्रस्तावना में जो है बदलाव कर किया गया था संशोधन, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल देखें कथा भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरताएँ का उल्लेख? तो ये साथियों 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगर बात करें साथियों 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि भूमि सुधार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और 5वीं अनुसूची में साथियों ये जो है जनजातीय व्यक्तियों का साथियों पूर्वी राज्य में जो है जनजातीय के बारे में विशेष उपबंध है। अगला सवाल भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन करता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 65 के अधीन। अगला सवाल देखिए साथियों कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में साथियों 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं, जिसमें प्रतिषेध है और परमादेश है, अधिकार पेक्षा है, उत्प्रेषण है साथियों, उसके बाद साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन आदेश नहीं है। अगला सवाल देखें कहता है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर साथियों रख दिया गया है स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम रख दिया है साथियों शहीद द्वीप, और रास द्वीप का नाम रख दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। द्वीप का नाम साथियों सुभाष चंद्र बोस, नील का शहीद और स्वराज का हैवलॉक। अगला सवाल देखें कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर जोड़ा गया था साथियों, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, उस समय लेकिन 10 मूल कर्तव्य ही थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है,
और साथियों लोक लेखा समिति में बात करें तो कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं विपक्ष दल का नेता। और प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं और इसके सत्ताधारी दल के जो है नेता इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? चलिए साथियों देखते हैं। कहता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यहाँ पर साथियों अगर माइनस होता तब हो जाता NDP माइनस मूल्य ह्रास करते प्लस विदेशी से शुद्ध प्राप्त साधन करते साथियों वहाँ पर हो जाता GNP। तो यही आपका जो है भिन्न है, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है साथियों यानी कि NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस शुद्ध परोक्ष कर और इसमें से माइनस मूल्य ह्रास करेंगे, ये तो सत्य है। और कहता है NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर, ये सत्य है। और कहता है NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर, ये भी सत्य ही है। यहाँ पर अगर माइनस रहता तो ये भी सत्य हो जाता। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है साथियों वह है साधन बाजार, जबकि कॉल मुद्रा अर्थात मांग मुद्रा बाजार है, संपार्श्विक ऋण बाजार है और स्वीकृति बाजार भी है। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो ये होता है भारत के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री होते हैं तो नीति आयोग की स्थापना साथियों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी और ये योजना आयोग का जगह लिया था। अगला सवाल, कहता है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? अगर परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये का के मूल्य का गिरावट होगा तो इसे हम कहेंगे मूल्यों रुपये का जो है मूल्य ह्रास। अगर जानबूझकर गिराया जाता तब हो जाता अवमूल्यन। अगला सवाल देखें, कहता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यह किस राज्य में है? तो साथियों ये भद्रावती नदी के किनारे है, 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और यह कर्नाटक में है। अगला सवाल देखें, कहता है बैंक के IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में कितने अंक होते हैं? साथियों कुल जो है इसमें 11 अंक होते हैं। पहला जो साथियों 4 डिजिट होते हैं वो बैंक का नाम सूचित करता है और उसके बाद शून्य लगा रहता है और उसके बाद साथियों अंतिम के 6 डिजिट जो है इनके ब्रांच को संकेत करती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो मौद्रिक नीति या साख नीति ये साथियों रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है, इनमें विभिन्न प्रकार के दरों को रखा जाता है जो कि वैधानिक तरलता अनुपात CRR और रेपो रेट है और नगद आरक्षित अनुपात है साथियों। उसके बाद ये सार्वजनिक ऋण इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल देखें, कहता है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो होगा साथियों भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए प्रतिकूल बनाने के लिए तो इसमें मुद्रा का अवमूल्यन करना होता है अर्थात विदेशी मुद्रा के तुलना में अपने स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर घटाना पड़ता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में और दर्जा मिला था 1992 ईस्वी में और स्थापना ये साथियों इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला सवाल देखें, कहता है SIDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। स्थापना 1 अप्रैल 1990 ईस्वी में, मुख्यालय लखनऊ में है। अगला सवाल देखें, कहता है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो किसी भी देश के भुगतान संतुलन में साथियों शामिल होता है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, तो ए और बी दोनों शामिल है। अगला सवाल देखें, कहता है एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक, तो अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक साथियों ताप भी होता है, मृदा की नमी पर भी निर्भर करता है और अपघटन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल देखें, कहता है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है?
तो रेड डाटा बुक साथियों, ये जो है इसमें विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को रखा जाता है जो संकट ग्रस्त में है साथियों, विलुप्त होने के कगार पर हैं। और 1963 ईस्वी से साथियों जो ये प्रस्तावित किया जाता है, और इनके संस्थापक जो थे पीटर स्कॉट थे साथियों, और ये जो है IUCN संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता, तो ये साथियों थे उम्बर्टो सुल्पासो। अगला सवाल देखें, कहता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क ये भारत के साथियों मिजोरम राज्य में है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो नागा जनजाति के द्वारा साथियों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं साथियों, कहता है 893 प्लस 786 के स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 893 माइनस 786 के होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इनको लिखेंगे साथियों, और यहाँ पर नीचे में a गुना b दिया गया है 893 गुना 786। साथियों इनको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इधर नेगेटिव है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा साथियों, इधर माइनस होगा माइनस ए स्क्वायर, फिर होगा साथियों माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में होता है यहाँ पर चिन्ह माइनस में ही दिया गया है, और यहाँ पर साथियों माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस में है यहाँ पर, और यहाँ पर होगा साथियों तो प्लस 2ab, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया लास्ट में, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर कट गया, और ये 2ab प्लस 2ab हो गया 4ab, तो 4ab बटे है साथियों यहाँ पर ए बी कट गया, तो कितना बचा 4, तो 4 आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखें, कहता एक चक्ती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 kg है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है, पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान, तो आवश्यक बल आघूर्ण का मान साथियों तो ये हो जाएगा बल आघूर्ण यानी आवश्यक बल आघूर्ण हो जाएगा गुने 20, क्योंकि 20 प्रति चक्कर है और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 10 सेकंड में रोकना है, गुना 10 होगा, और इसको लाएंगे साथियों बटे में लाएंगे यहाँ पर, तो बटे में क्या होगा 2 kg है, तो 2000 meters यहाँ पर साथियों मीटर में लाते हैं, ये जो है ग्राम में लाए हैं, ये जो है साथियों 2 kg में जो है 2000 से गुना कर दिए तो हो गया 2000 kg, ये 2000 ग्राम, तो 0000 कट गया, 0000 कट गया, और ये 2 2 2 कट गया, x बराबर आ गया साथियों 1/2, तो x बराबर 1/2 का मतलब हो गया साथियों आधे यानी कि 0.5 Nm बल आघूर्ण का मात्रक होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित को साथियों भिन्न के आरोही क्रम में सजाना है, साथियों भिन्न को आरोही क्रम में सजाना है, आप जो है नीचे ऊपर गुना करके भी कर सकते हैं, इस प्रकार से गुना कोना कोनी करेंगे साथियों तो इस प्रकार से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यहाँ पर साथियों इससे भी भाग देंगे तो आपको 0.84 आएगा, फिर इस 11/13 से भाग देंगे तो आएगा साथियों 0.85, और यहाँ पर भाग देंगे तो लगभग आएगा 0.9, तो ये आपका जो है सी नंबर साथियों हो जाएगा, ये अगर आप भाग गुना करते हैं कोना कोनी उससे भी निकाल लग सकते हैं। अगला सवाल कहता है 0.5x बराबर 3.2y, तो x प्लस वाई बाय x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो इनको साथियों क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट कट गया कोई दिक्कत नहीं, एक अंक के बाद दशमलव है, तो आ गया x बराबर 32 और y बराबर आ गया साथियों कितना 5, x बराबर 32 और y बराबर 5, तो यहाँ पर कहता है 32 5 कितना होगा x प्लस वाई, तो 32 5 37 बटे 32 में से 5 गया तो हो गया 27, तो 37/27 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बड़ी सबसे अभाज्य संख्या की बात होगी तब हो जाएगी साथियों 997, बड़ी कर रहा है तो सबसे बड़ी होता है 999, तो ये भाग हो रहा है 998 में भी भाग लग रहा है, 997 में किसी से भी भाग नहीं लगेगा। अगला सवाल देखें,
अनिल, दीपक तथा दिनेश तीनों मिलकर जो है एक कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है अनिल और दिनेश ये दोनों मिलकर जो है उसी कार्य को, समान कार्य को जो है 60 दिन में पूरा करता है। तो प्रश्न आगे है कि दीपक जो है अकेले कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर हो गया साथियों 35 दिन और दो को मिल हो गया 60 दिन। दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। अब साथियों क्या करना है, ये तीनों है और यहाँ पर दो है, अनिल और दिनेश है। कह रहा है दीपक अकेला कितना करेगा काम, कितना दिन में दीपक अकेला। तो साथियों ये दिनेश और अनिल का जो है ये दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 35 में 420 से भाग देंगे तो 12 दिन में लगेगा, यानी कि तीनों एक दिन में जो है 12 काम करता है। फिर 60 से भाग देंगे 420 में तो आ जाएगा साथियों 6 × 7 = 42, 7। दो को मिल के करता है 7 एक दिन में 7 काम, तीन को मिल के 12। तो अनिल और दिनेश करता है 7 काम और तीनों मिल के अनिल दिनेश दीपक मिल के करता है 12 काम एक दिन में। तो 12 में से 7 घटाएंगे साथियों अनिल और दिनेश का तो आ जाएगा दीपक का। तो दीपक एक दिन में कितना काम करेगा, 5। दीपक का कार्य क्षमता कितना आ गया, 5। 420 में 5 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, 8 × 5 = 40, 2 × 0 = 20, 8 × 5 = 20। तो 84 दिन में दीपक जो है अकेला कार्य करेगा। देखते साथियों अगले की जो है ऑप्शन किस में 84 दिया गया है। तो 84 साथियों ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। कह रहा है ना दीपक जो है अकेले समान कार्य को, यानी वही कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 84 दिन में। अगला सवाल देखें, कहता है एक शंकु की ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर और इसका साथियों आधार की त्रिज्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर और इसे रंगने के दर जो है 14 रुपया जो है प्रति सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कहता है कि इसका जो है शंकु के बाहर को, शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्चा लगेगा। तो शंकु को बाहर से रंगने में खर्चा कितना लगेगा साथियों, पहले हम क्या करेंगे तो इनको निकालने से पहले इनका हम एल निकाल लेते हैं लंबाई। तो 16 यानी ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आर त्रिज्या के स्क्वायर के रूट अंडर होगा। तो 16 के स्क्वायर करेंगे साथियों प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हैं 256 से और 3 × 3 = 9, 256 प्लस 30 × 30 करेंगे तो 900 आ गया। अब साथियों 9 × 2 = 1156, 1156 रूट अंडर में है तो ये किसका है रूट अंडर, यानी कि 34 का वर्ग है 1156, तो 34 मेरा एल आ गया। अब साथियों क्या करना है, शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें 14 से गुना करना है। पाई यानी कि पाई आर एल होता है, तो पाई यानी कि 22/7 गुने आर यहाँ पर दिया गया है मेरा कितना 30, गुना साथियों एल दिया गया है कितना 34 अभी निकाले थे, और गुना करेंगे यही 14 से। अब देखिए 7 × 2 = 14 कट गया। अब साथियों इतना का गुना कीजिएगा 22 × 30 × 34 × 2 तो आपका जो है साथियों आंसर आ जाएगा 44,880 आपका आंसर आ जाएगा, 44,880 आंसर आ जाएगा बी नंबर। अगला सवाल देखें, कहता है एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में जो है, एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है और 26 हॉकी टीम में है, 29 फुटबॉल टीम में है। कहता अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं तो, और 8 जो है तीनों खेल खेलते हैं तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल कितने फुटबॉल खेलते हैं। इसके लिए साथियों क्या करेंगे, तो इसके लिए तीन जो है आपका डब्बा बनेगा, एक हो गया, दो हो गया और ये तीन हो गया। तो साथियों यहाँ पर हम लिख देते हैं हॉकी यानी कि एच, यहाँ पर लिख देते हैं साथियों बास्केटबॉल बी लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साथियों फुटबॉल एफ। अब जो कहता है 8 तो तीनों खेल खेलते हैं, 8 लिख दिए हैं तीनों, उससे पहले लिख दे कि कौन कितना खेलता है, तो फुटबॉल 29 है और हॉकी साथियों 26 है 26 और यहाँ पर बास्केटबॉल कितना है तो 21 है। अब आ गया साथियों 8 तीनों खेल खेलता है। उसके बाद अगले बिंदु को देखते हैं तो कहता है 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, हॉकी और बास्केटबॉल 14 दोनों खेलते हैं, तो हॉकी का साथियों ये भी आ गया और ये भी आ गया रेंज, तो 8 खेल रहा है और प्लस यहाँ 6 देंगे तो 8 × 6 = 14 हो जाएगा, दोनों खेल रहा है।
अब कहता है कुल हॉकी खेलने वाला कितना है, तो कुल हॉकी खेलने वाला है ये अभी पहले और बिंदु को देख लेते हैं साथियों। कहता है फिर 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है 12। तो फुटबॉल का रेंज साथियों यहाँ से हो गया, और फुटबॉल का रेंज यहाँ से ये हो गया, ये हो गया फुटबॉल का, और ये हो गया साथियों बास्केटबॉल का। 8 खेल रहा है और कहता है 12 खेलता है फुटबॉल और बास्केटबॉल, 8 उधर है प्लस 4 यहाँ पर देंगे तो हो जाएगा 8 4 12। फिर अगला कहता है 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है। तो यहाँ पर साथियों हॉकी का आपका स्टेप यहाँ पर ये हो गया, और फुटबॉल का तो आपको साथियों पता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यानी हॉकी और फुटबॉल। अब साथियों 8 खेल रहा है और कहता है हॉकी और फुटबॉल 15 दोनों खेलता है, तो यहाँ पर 7 देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 हो गया दोनों। अब देखिए ये जो है कितना यह आप देखिए हॉकी खेलने वाला केवल कितना होगा, ये 8 6 14 14 7 20 1 21, तो 14 7 21 21 यहाँ पर 26 कुल मिला के है, तो 5 हो जाएगा केवल हॉकी खेलने वाला। अब फिर देखते हैं केवल बास्केटबॉल खेलने वाला, तो बास्केटबॉल 21 खेलता है, अब केवल देखिए कितना रहेगा, तो 8 6 14 4 18 18 3 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा केवल बास्केटबॉल खेलने वाला 3। अब उसी प्रकार से फुटबॉल खेलने वाला 29 है कुल मिलाकर, तो केवल फुटबॉल खेलने वाला कितना होगा देखते हैं, तो 8 7 15 4 19 19 हो गया है बचा, कितना 10 बचा है फुटबॉल खेलने वाला, केवल फुटबॉल खेलेगा 10। तो यहाँ पर जो है आ गया साथियों आपका आंसर कि 10 जो है केवल फुटबॉल खेलता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटा में करता है, तो तीनों मिलाकर काम पूरा किया और जिसके लिए मजदूरी के रूप में साथियों 777 रुपया मिला, मजदूरी में बी का हिस्सा कितना होगा। चलिए साथियों बनाते हैं, पहले एलसीएम हम लेके बनाते हैं, आपको तो पता ही है 16 20 और 24 तीनों का एलसीएम करेंगे साथियों, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम साथियों आ जाएगा 240, तो 240 एलसीएम आ जाएगा। तो इसके लिए साथियों क्या करेंगे, 240 आ गया तो 16 के 16 8 16 85 15 उसका कार्य क्षमता हो गया एक दिन घंटे का, उसके बाद 20 का आ गया साथियों कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 20 का 20 4 पर 2 20 2 40 20 20 2 40, तो इसका 12 आ जाएगा। अब 24 का 24 इसका 10 आ गया। अब कह रहा है साथियों ये जो है कार्य क्षमता इसका आ गया, और इसके लिए मूल्य दिया गया है कितना, तो मूल्य दिया गया है 777, तो यहाँ क्या करेंगे 7 7 7 में भाग देंगे किससे, 15 12 27 10 37 से गुना करेंगे, किसका मजदूरी निकालना है बी का, तो बी 20 घंटा में करता है, बी का कार्य क्षमता है 12, तो 12 से गुना करेंगे। अब 37 2 9 74 और 3 पर 7 37 37 के 37, तो इतना कट गया 21 बार में 37 से 777, 21 गुना 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 के 12 बचा है 1 और 12 2 9 24 1 25 यानी कि 252 रुपया। अगला सवाल देखिए, कहता है अनुक्रम को पूरा करने के लिए, तो साथियों यहाँ पर आप देखिए कितना का गैप हो रहा है, तो यहाँ पर साथियों गैप देखिए कितना का हो रहा है, 4 से जो है 14 बढ़ा तो 18 हुआ, और 18 से 48 हो गया इसका मतलब 30 बढ़ा, और 48 से 100 हो गया इसका मतलब 52 बढ़ा है, और 48 यहाँ पर देखिए साथियों कितना हो रहा है अंतर, 16 हो रहा है, और यहाँ पर साथियों कितना हो रहा है, 16 6 20 हो रहा है, 22 हो रहा है, 22 6 साथियों 28, अब यहाँ पर अंतर होगा, यहाँ पर जो है 28 अंतर होगा, यानी कि 22 6 28 बढ़ेगा, तो 52 और 28 कितना हो जाएगा साथियों, 52 और 28 बढ़ेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि अभी जो है यहाँ पर कितना होगा 80 बढ़ेगा, 100 प्लस 80 तो हो जाएगा 180, यानी कि ये 16 बढ़ा यहाँ पर, तो 16 6 22 बढ़ा है, 22 6 यहाँ पर 28 प्लस इंक्रीज होगा तो 80 बढ़ेगा यहाँ पर, यानी कि 28 इंक्रीज। अगला सवाल देखिए साथियों, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। देखिए स्त्री का क्या कहना है, स्त्री का कहना है कि ये हो गया स्त्री और इसके दादा हो गया, मानते हैं ये दादा हो गया और इसके ये पिता होगा,
यहाँ पर पिता है। तो कथा है, एक स्त्री ने कहा कि उसके एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, यानी अपने पति को कहता है एक पुरुष के बारे में एक स्त्री ने कि उसके भाई यानी पुरुष के भाई के पिता जो हैं मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये पुरुष हैं, पुरुष के जो पिता हैं पिता ये हैं और मेरे दादा के पिता पुत्र जो है ये हैं, इसका मतलब दोनों भाई बहन है। तो स्त्री जो है या साथियों उसकी बहन है, वो इसका भाई है। अगला सवाल देखें, कहता यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है तो CH यानी चेयर को क्या लिखा जाएगा। साथियों देखिए कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, TU एक बढ़ा, ABC दो बढ़ा है। अब यहीं पर हम चलते हैं, पहले एक बढ़ाते हैं, सी के बाद एक बढ़ता है डी, और एच के बाद दो बढ़ाएंगे तो साथियों IJ, तो DJ देखिए केवल इसी में है, तो यहीं पर मेरा आंसर हो जाएगा, चाहे मिले ना मिले, दो अक्षर मिल गया और इस किसी में मैच भी नहीं कर रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगा। तो इनका साथियों हाथ मिलाने की संख्या होता है N(n-1)/2। तो 8 मित्र हैं तो 8 गुने करेंगे 7/2, तो 2 से काटेंगे 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28। अगला सवाल देखें, यहाँ पर साथियों मिलिंग दिया गया है, अगर जोड़ का अर्थ होता है गुना, भाग का अर्थ घटा का अर्थ होता है भाग, गुना का अर्थ होता है घटा और भाग का अर्थ होता है जोड़, तो क्या होगा। तो यहीं पर बैठा देते हैं, 4 / 8 है तो भाग का अर्थ क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर जोड़, तो 4 + क्या करेंगे 8। अब घटा का अर्थ होता है भाग, तो 8 / क्या करेंगे 2, और गुना का अर्थ होता है घटा, तो यहाँ पर घटा करेंगे, और जोड़ का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर गुना करेंगे। अब 8 में भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा 4, और 4 होगा तो 4 × 4 यहाँ पर बलस 4 है, तो यहाँ पर हो गया मेरा इधर का हो गया 8। अब इधर पर देखिए 4 × 8 - 8, 8 में से 8 गया तो कितना हो गया 0। अगला सवाल देखें, कहता निम्नलिखित आकृतियों में भिन्न को चुने, भिन्न को चुनना है साथियों, ये गोला है तो गोले के अंतर्गत गोला है, चार भुजा है तो चतुर्भुजे के अंतर्गत चार भुजा वाला है, यानी आयते का ये जो है वर्गे के अंतर वर्ग है। अब यहाँ त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज रहता न कि चतुर्भुज रहता, तो ये गलत है, और यहाँ पंचभुज के अंतर्गत पंचभुज है, ये तो ये सही है, यानी कि आपका जो है यही भिन्न है। अगला सवाल, कहता है किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यानी 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। 21 = 26 में से 5 जाएगा तो 21 दिन आएगा। अगर 4 तारीख को शनिवार है, 4 को शनिवार है तो 4, 7, 11 को फिर शनिवार होगा, 11, 7, 18 को जो है साथियों फिर शनिवार होगा, 18 को शनिवार है तो 19 को क्या होगा रविवार होगा, 20 को सोमवार होगा, और 21 को क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। अगला सवाल देखें, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण का नाप दिया गया है 26 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर बनाते हैं, चलिए ये जो है विकर्ण हो गया, ये ABC और ये D हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, ये विकर्ण हो गया 13, ये विकर्ण हो गया 13, ये है आपका 17 सेंटीमीटर और ये है 11, तो इनके लिए क्या करते हैं साथियों, तो AB² + BC² करेंगे, बराबर करेंगे साथियों 2AE² यहाँ पर AE² होगा साथियों, यानी कि 2 × AE² प्लस करेंगे साथियों तो प्लस होगा 2BE² यानी कि 2BE² BE² तो साथियों BE² जो है आपका दिया गया है 13, AE² बराबर निकालना है, तो इनके लिए क्या करते हैं साथियों, अब यहाँ पर जो है बैठाते हैं, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे प्लस
साथियों कितना का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा, फिर बराबर होगा साथियों कितना का, तो 13 का, 2 गुना 13 का स्क्वायर प्लस करेंगे साथियों, 2 गुना 13 का स्क्वायर प्लस 2ae का स्क्वायर, तो ये ऐसे रह जाएगा, ये इसी का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है साथियों, तो यहाँ पर जो है कुल मिला के कितना होगा, 289 प्लस 111 121 में से 2 गुना 169 घटाएंगे साथियों, तो बी ई आपका आ जाएगा ए बराबर स्क्वायर बराबर 2ae बराबर हो जाएगा साथियों, 2ae स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72 बटे का मतलब साथियों 2 होगा, इन्हीं का जो है ये 2 उठ के यहाँ आएगा तो हो जाएगा 36। अब ये 36 रूट अंदर में है, यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट अंदर में है, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो साथियों हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका जो है ये विकर्ण एक दूरी आ गया, तो यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 सेंटीमीटर, तो पूरे दूरी कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर में मौजूद नहीं है, लेकिन हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ये चार्ट दिया गया है और एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत करने के व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाया गया है और सोने की तुलना में कहता है खेलने में कितना समय प्रतिशत में बिताता है, तो वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय बिताता है, तो ये जो आपका साथियों मान दिया गया है सोने की तुलना में, तो सोना की साथियों नीचे रखा जाएगा 120 और खेलने का हो जाएगा 30 गुना 100 बटे 120, तो ये 30 चौके 120 4 कटेगा तो 25, तो सोने की तुलना में खेलने में साथियों 25 जो हो जाएगा आपका प्रतिशत। अगला सवाल देखें, कहता है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इनको गिनते हैं, तो साथियों त्रिभुज जो है आपका ये जो है आप पहले निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा साथियों, इसमें 6 हो गया 3 हो गया, इसमें 9 हो गया और 1 सम्मिल्य हो गया साथियों, ये पूरे बड़ा, तो हो गया कितना, 10 आपके पास हो गया ऑलरेडी। अब फिर देखते हैं, फिर ये हो गया साथियों 10 1 11, फिर ये हो गया 12, फिर ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 15, तो कुल मिला के 15 त्रिभुज इसमें है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।